Hey, good morning guys. This is Anil, the blogger, back with another new blog. So guys, I just arrived at home from work और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ. ब्रेकफास्ट के अंदर दही एंड पराठा ये करके आज मुझे जाना है शादी पे, किसी के शादी पे जाना है. तो तैयार श्यार होते हैं नहा के और आगे की वीडियो फिर शूट करते हैं. पहले ब्रेकफास्ट कर लें तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं थोड़ा सा इन्जॉय कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट. गाइज, दिस इज़ 11:30 AM इन द मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू मानसर सिटी फॉर बाई सम स्टफ. तो गाइज निकलते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ी सी वीडियो शूट करता हूँ. बेकार का ब्लॉग बन रहा है अभी, बेकार का ब्लॉग नंबर 4. लेट्स गो. तो गाइज फाइनली हमारा भाई आ गया यहाँ पे, सामान वगैरह खरीदते हैं. ये देखो, तो गाइस सामान तो मैं ले आया हूँ. ये देखो सीक्रेट सामान है, इसलिए छुपा के रखा हुआ है. तो घर चलते हैं, बाइक को धोते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं शादी में. तो गाइस आज बाइक धो लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया बाइक धोए हुए, ऐसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, इसको भी गर्मी लगती है. थोड़ा सा नहा लेगी तो ठंडी हो जाएगी. बार बोला है मेरे कपड़े साइड पे रखा करो, गुस्सा चढ़ा देते हैं. आज के मेरा ड्रेस देख लो, इसके अंदर ब्लैक पैंट, और ब्लैक पैंट दिखा देता हूँ निकाल के. अरे निकल जा, ये वाली ब्लैक पैंट है, ये देखो ये पहनूंगा, और इसके साथ ये वाली शर्ट पहनूंगा. किसकी है ये, पता नहीं कौन सी कंपनी है, रिलैक्स्ड फिट पता नहीं क्या, ये जैक एंड जोन्स की है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इधर से कहाँ पे है, ये रहा जैक एंड जोन्स. इसमें उल्टा दिखेगा थोड़ा सा भाई. ये पहनेंगे आज, फिर आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ. और DSLR की जो बैटरी है ना, वो यहाँ पे मैंने चार्ज पे लगा रखी है, इसके साथ फ़ोटो खींचेंगे बाद में. क्यों गाइस, है ना मैचिंग ब्लैक पैंट के साथ, ये पता नहीं कौन सा कलर है. और ब्लैक पैंट के ऊपर अभी तक ये टैग वगैरह लगे हुए हैं. दो पैंटें हैं इस तरह की, जो पिछली दिखाई थी वो 34 नंबर थी, ये 32 नंबर है. ये देखो 32 नंबर है ना, इसको प्रेस करते हैं. आयरन कहाँ पे, कहाँ गई आयरन, और इधर आयरन पता नहीं, आयरन आयरन आयरन, दोनों नाम जो है एक तरह के ही है. ये है भाई, इसको लगाते हैं, देन इसको प्रेस करते हैं, फिर निकलते हैं. तो गाइस कपड़े तो प्रेस कर लिया, वो देखो पैंट पड़ी हुई है, और यहाँ पे मैंने टी शर्ट लटकाई हुई है ना. तो अभी पीते हैं मास गेनर, ये देख लो, देन उसके बाद फ़ोन करते हैं अपने दोस्त को, अगर वो बोलता कि आ जाओ तो फिर घर से निकलते हैं नहा के. लो भाई, जो मशीन ऑर्डर की हुई थी ना वो तो आ गई, अभी इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसका सेटअप करेंगे वहाँ पे जाके. और मैं शादी में जाने वाला था यार, अभी तक वहाँ पे बारात ही नहीं आई, तो मेरा मूड अभी चेंज हो गया, मैं नहीं जाने वाला. कपड़े वगैरह वहाँ भी प्रेस करके रखे हुए हैं अंदर. ये देखो ये टी शर्ट आपको दिख रही होगी, ये शर्ट देखते हैं यार आगे क्या करना है. हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के नहीं, सुबह के 11:22, और मैं आया हूँ अपने घर के गार्डन में घूमने के लिए. इधर अभी बंगाला सिटी में जाऊँगा, कुछ काम है. तो फ्लावर्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ऑरेंज भी लगे हुए हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको ऑरेंज. ये देखो ये देखे ये वाले, तो बहुत सारे अभी देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा टेस्ट है इसका, और फिर निकलते हैं बंगाला सिटी में. कल की जो मैरिज पार्टी थी यार, वो तो कैंसिल हो गई, एकदम बेकार यार. फ्रेंड ने फ़ोन ही नहीं किया, मैंने इतने प्यार से कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे थे उसके बाद क्या हुआ, साला फ़ोन ही नहीं आया क्या यार. और यहाँ पे ये देखो हमारे मोर साहब सोए हुए हैं नीचे, रात को जागते हैं दिन में सोते हैं. ओए सो गया, वेल लेट हिम स्लीप. एंड हम लोग टेस्ट करते हैं ऑरेंज, देन उसके बाद निकलते हैं बंगाला सिटी में. तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ बंगाला सिटी में,
कुछ सामान खरीदने के लिए, मम्मी ने लेना है सामान है ना, वो खरीदने जा रहा हूँ बंगाला सिटी में। तो चलिए गैज निकल रहे हैं यहाँ से, चलो मम्मी। तो गैज मैं और मम्मी आए हैं युवा मॉल में घूमने के लिए, यहाँ पे मतलब कि सामान खरीदने के लिए। ये देखो कितना सामान है यहाँ पे पीछे, ये देखो इधर मम्मी खरीद रही है सामान। चलो गाइस आपको चूड़ियाँ दिखाता हूँ, जो लड़कियाँ देख रही हैं ब्लॉग चूड़ियाँ देख लो। देख लो चूड़ियाँ, जिनको पसंद है वो उठा लेना आके यहाँ से। मम्मी निकाल गई यहाँ से चूड़ियाँ, बहुत है यार बहुत सामान है यहाँ पे। और ये दूसरी साइड का व्यू यहाँ से देख लो, ये जो गठियों के अंदर बंदी होती हैं चूड़ियाँ वो वाली है, ये देखो यहाँ पे। इधर देख लो पता नहीं क्या क्या है यार, बहुत सामान है स्पेशली वुमेंस के लिए। प्यारी मम्मी खरीद रही है सामान। हे गुड इवनिंग गाइस, आज है नेक्स्ट डे और मैं हैरी को अभी जस्ट ट्रेन करके आ रहा हूँ, मतलब कि हैरी को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी है वर्कआउट करने की, इसकी वीडियोस बना रहा हूँ। जो बंदे बिगनर है ना, अगर वो वर्कआउट करना चाहते हैं या फिर उनको पता नहीं किस तरीके से करना है, वो मैं अभी सीरीज अपने दूसरे चैनल पर बना के डाल रहा हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए बिगनर्स को, वो ही मैं बता रहा हूँ वहाँ पर। तो अगर आपको भी देखनी है भाई वहाँ पर चले जाना। तो अभी वर्कआउट करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा, और बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है ना, तो वर्कआउट करके देन देखता हूँ आगे क्या शूट करना। आज मैं ब्लॉग ना ख़त्म कर दूंगा, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया आज, तो मम्मी के साथ तो घूमाया कल। वेल देखता हूँ थोड़ी देर में क्या शूट करना है, देन उसके बाद ब्लॉग एंड 8-9 बजे के करीब मैं अपलोड कर दूँगा रात में। हेलो गाइस, अभी तुम्हारा भाई आया है काम पे और मैं थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग कर रहा था दूसरे चैनल के लिए, एंड आई विल अपलोड जस्ट विद इन मेबी 10 मिनट्स। अभी थंबनेल वगैरह मैंने डिज़ाइन करना है और अपने लैपटॉप पे आ गया हूँ यहाँ पे, वीडियो को एडिट वेडिट करके अभी मैं उसको थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा। तो बाहर जो मौसम है बारिश वाला है, अभी आपको लेके जाता हूँ थोड़ी देर में बाहर, देन उसके बाद आगे की वीडियो शूट करते हैं। आज का अपलोड ख़त्म करके इसको अपलोड कर देंगे 9 से 9:30 बजे के बीच में। मैं अभी जस्ट बाहर से आया हूँ, पूरा भीग गया यार, ये देखो बारिश लगी हुई बाहर, खाना लेके आया हूँ। तो यार आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं, जो बंदे नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय।